युवान एक ऐसे में टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपने तरफ से डोनेट कर दिया है, आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल जिस पर सबकी निगाहें, हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है, सवाल ये कि आखिर बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। और ये इसलिए और ज्यादा रोचक हो जाता है क्योंकि बयानों की झड़ी लगती है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, और इस फेहरिस्त में जो सबसे खास चेहरे होते हैं वो चेहरे होते हैं केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह और अब अरुण सिंह। अब देखिए कि जो पहले बयान दिए गए, कैसे उन बयानों पर अरुण सिंह का बयान भारी पड़ जाता है और उस पर भी भारी पड़ जाती है एक पिक्चर, एक लंच। जी, एक लंच सब कुछ मानो बदल देता है। अब चाहे उसे आप मजबूरी कहिए या फिर आप इसे सुलह कहिए, प्रेम कहिए, एकता कहिए, जो नाम देना है इस रिश्ते को दे दीजिए। तो दरअसल योगी पहुंचते हैं केशव प्रसाद मौर्य के घर लंच पर। तमाम नेता होते हैं वहां पर, तमाम दिग्गज होते हैं, ना केवल बीजेपी के बल्कि संघ के भी। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के सुर बदले बदले नजर आते हैं। हमारे सहयोगी ने जब अरुण सिंह ने जो बयान दिया उस पर केशव प्रसाद मौर्य से जब बात की और उनसे पूछा कि अब बताइए कि पार्टी का चेहरा कौन होगा, हालांकि ये कई दफा ये सवाल पूछा जा चुका था, लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य के बोल अलग थे। उन्होंने क्या कहा पहले सुनिए। कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे। देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता कुछ बोलता है ना, उसका निहितार्थ निकाला करिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ जैसे कि 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी वही मुख्यमंत्री हैं, और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इसको लेकर के विवाद खड़ा करने का कोई विषय। तो सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन जो तय करता है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कह दिया उसके मायने हैं, तो अभी तो मुख्यमंत्री हैं ही, आगे भी होंगे, अब इसमें कोई विवाद नहीं है। हालांकि जो लहजा आपने सुना, जो शब्द आपने केशव प्रसाद मौर्य के सुने, उसमें मजबूरी शायद ज्यादा झलकती है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी केशव प्रसाद मौर्य के नक्शे कदम पर चलते हुए ये कहा था कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, केंद्र का नेतृत्व तय करेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उनके भी सुर बदले बदले हैं, वो भी यही दुहाई दे रहे हैं। सुनिए उनका भी बयान। तो इस तरह चेहरे बदलते रहते हैं, चेहरे आते जाते रहते हैं। राजनीति में समय के अनुसार निर्णय लिया जाता है और आज समय के अनुसार पार्टी ने निर्णय लिया है कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इन दिग्गजों का बयान आपने सुना, लेकिन इसके पहले इनके क्या बयान थे, इनके पहले क्या शब्द थे, एक बार वो भी आपको रिकॉल करा देते हैं। सुनिए दोनों नेताओं का बैक टू बैक वो पुराना बयान। लगातार कहा गया कि बदलाव हो सकता है। आपको लगता है कि क्या चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। एक बात ये भी आ रही है कि नहीं, योगी जी ही नेतृत्व करेंगे, देश अध्यक्ष ने ये कहा है, तो जनता क्या माने? देखिए, जैसा कि 2017 में भी उत्तर प्रदेश का कोई चेहरा नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय योगी जी के रूप में उत्तर प्रदेश को चेहरा दिया, नेतृत्व दिया, और उन्हीं के नेतृत्व में आज तक सफलतम सरकार चल रही है। 2022 चुनाव परिणाम के बाद की स्थितियां क्या होंगी उस समय ही तय होगा। जहां तक रही बात व्यवहारिक और लोकतांत्रिक, चुने हुए विधायक लोग अपने विधानमंडल की बैठक करके अपने नेता का चयन करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या और भी बड़ी पार्टियों में यह भी परंपरा है कि नेतृत्व के लिए सदैव केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन नेतृत्व करेगा।
तो दरअसल ये जो बयान आए थे इसके बाद कई सारे सवाल थे और केशव प्रसाद मौर्य जहां भी जाते थे ये सवाल उनसे पूछा जाता था, हर बार वो यही कह के टाल जाते थे। तब सवाल ये उठता था कि क्या ये केशव प्रसाद मौर्य की टीस है या कोई एक जो कहा जाता था कि थोड़ी सी दूरी है योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में उसकी वजह से है। लेकिन इन सबके बीच में राजनाथ सिंह की भी एंट्री होती है और हमारे सहयोगी चैनल ने जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने साफ तौर पर योगी को ही चेहरा बताया था, उनकी जमकर तारीफ की थी, तो सवाल और गहरा गए थे। लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें ये सबसे अहम है कि क्या योगी मजबूरी बन गए हैं, क्या वाकई में कोई चेहरा अब बीजेपी के पास नहीं है और इसलिए योगी ही सबसे जरूरी है, और ये बात जो है वो अब केशव प्रसाद मौर्य जैसे जो तमाम नेता जो शायद कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर रहे थे इस चीज़ को और ये कह रहे थे कि जब ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है तो आगे जाकर ये तय होगा, अब इस पर कुछ कहना सही नहीं है, वो भी अब इसको स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए, या फिर संघ की जो कोशिश थी कि उस लंच के जरिए जो दूरियाँ थी उसको मिटा दी जाए वो कामयाब हुई है। इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, विपक्षी कुछ कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी के लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप भी समझते हैं कि सियासत क्या है, इसको आप खुद देखिए, ये सुलह है या मजबूरी।